हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोन फिक्स। यहाँ पे एक हमारे साथ एक स्टूडेंट है 27 दिसंबर बैच के। अपना नाम बताइए। जीत नरेश कुमार। कहाँ से? बिहार से है। अच्छा, ये बताइए जीत, आप आज का कितना दिन चल रहा है आपका क्लास का? पाँच दिन हो चुका है। चलो ठीक है, तो 5 दिन अब तक यहाँ पे क्लास हो गया। आपने 5 दिन में क्या क्या किया है यहाँ पे? CPU से रिवॉल्व करके लगाया है। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन और ठीक है, मेन तो अभी बेसिक आपका CPU रिवॉल्विंग वगैरह जो आपने की है। ठीक है, तो ये बताइए, अभी आपने CPU रिवॉल्व किया और फ़ोन ऑन किया है? जी, दो बार किया है। अच्छा, दो परसों भी पहले भी किए थे और आज भी, और एक बार सेकेंड टाइम अटेंड किए। ठीक है, तो बताइए कौन सा फ़ोन है? यहाँ पे देख सकते हैं MI का है, MI 5A मॉडल है, जो कि 4G CPU है ना। अच्छा, तो ये ऑन हुआ नहीं हुआ एक बार दिखा सकते हैं आप? जी, चलो एक बार देखेंगे इनका फ़ोन, जो कि सेकेंड टाइम अटेम्प्ट हुआ है। पहले 2 दिन पहले भी रिपेयर हुआ था, दूसरा फ़ोन था, अब यहाँ दूसरा और एक फ़ोन है। तो एक बार DC पे बताइए कि रीडिंग इसका ऑन हो रहा है, एक बार वहाँ दिखाइए। जैसे कि पावर की प्रेस करने के बाद रीडिंग ऑन हो गया, और एक बार यहाँ स्क्रीन पे दिखाइए, आपका दिख नहीं रहा है। एक बार ठीक, हाँ एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हैं MI का लोगो एक बार आ गया है। इनके लिए एक बार क्लैप्स करिए भाई सब लोग। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं MI का लोगो यहाँ आ चुका है और यहाँ पे फ़ोन ऑन हो रहा है। तो ये आपने जो काम यहाँ पे किए, CPU और ये MMC दोनों भी रिवॉल्व किए, खुद से किए? क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ दूसरा एक चालू फ़ोन हाथ में थमा के बोल दिए कि बोलने के लिए? वो बोलने के लिए तो बोला नहीं है ना, ऐसा काम करने के बाद ही बोले। ऑन सेट दिया गया, ऑन सेट को MMC CPU निकाल के रिवॉल्व करके लगा। अच्छा, तो ये काम अभी, ये बताइए आप यहाँ आने से पहले कितने, मतलब इसके पहले करते हैं कभी काम? छोटा छोटा नेटवर्क IC, लाइट IC, CPU MMC पे काम नहीं किए। छोटा नेटवर्क IC, WTR वगैरह चेंज कर लेना, छोटा। तो कितने साल से आपका काम, एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस वही 5 साल का। 5 साल का है, लेकिन 5 सालों में कभी आपने CPU उठाए या CPU? अच्छा, ये तो डर था आपके पास कि CPU खराब हो जाएगा अगर, जब हम CPU को कभी हीट मार के वगैरह कुछ भी करते हैं तो? क्या था उसमें डर? था डर कि खराब हो जाएगा। अब ये बताइए कि अब कोई भी अगर मैं फ़ोन दे दूँ CPU निकालने के लिए, क्या डर लगेगा? ना, कोई डर नहीं लगेगा। अच्छा, तो अभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया आपका। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से बताइए, एक बार ये बताइए कि आपके जैसे और भी आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, अगर आप ये ट्रिक उनसे करवाना चाहेंगे, जैसे सीखना चाह रहे हो? भी डायरेक्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए। वो सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते? ये सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। तो यहाँ का जो ट्रिक है सागर सर का, कैसा लगा उनका ट्रिक बताने का? रिवॉल्विंग जबरदस्त शॉर्ट तरीका में समझाते हैं। अच्छा, और मॉर्निंग जो क्लास होता है फिरोज सर का, डायग्राम का कैसा होता है क्लास? डायग्राम का वेरी इजी में। अच्छा, तो इधर देख के बताइए ज़रा, जैसे कि डायग्राम चलता है 3 घंटा, तो बेसिक से बताते हैं ना, समझ में आता है? जैसे समझ में आता है, अपने भाषा में भी समझाते हैं और शॉर्ट में भी, जैसे समझ में आ जाए। हाँ, कोई भी चीज़। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये है, तो डेली कितना घंटा क्लास चलता है अपना? डेली लगभग 8 बजे मॉर्निंग से नाइट के 9 बजे तक। अच्छा, एक घंटा का ब्रेक लगता है, 1 घंटा बीच में ब्रेक है, लेकिन मॉर्निंग 8 बजे से आप यहाँ आते हैं और रात में 8-9 बजे, 9 भी बज जाते हैं ना। ठीक है, तो इतने देर तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना अभी कि 10-12 घंटे में सिर्फ 2-3 घंटा ही आपको अच्छे से सपोर्ट करते, बाकी टाइम आप अब देख लो क्या कंटिन्यू आपके साथ होते हैं? हर कोई होता है ना स्टाफ का, ऐसा छोड़ते ही तो नहीं है? नहीं। चलो, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट है बहुत अच्छे से अभी यहाँ काम कर रहे हैं, और जो कि CPU रिवॉल्व जो इन पहले नहीं करते थे वो अब कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनका डर निकल गया है ना। अब इसके बाद तो अभी और 15 दिन बचा हुआ है हमारा, है ना, तो अभी बहुत कुछ हमारा होगा क्लास। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारे स्टूडेंट, ठीक है, थैंक यू।